गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास सो बेटा इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लेसन नंबर सेवनटीन ऑफ योर लिटरेचर बुक योगा की टू गुड हेल्थ इट्स गिवन ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड एटीन सो बेटा इस स्टोरी में निखिल एक लड़का है जिसे इस बात का आभास होता है कि योगा बहुत अच्छा है क्योंकि यह तनाव को कम करता है और हमारे शरीर और दिमाग को ताकत देता है अब इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह क्रिकेट की गेम में तीन युवा बच्चों को की जिंदगी को बदल देती है जो उनके अंक राहुल के दिखाए रास्ते पर चलते हैं सो अंकल राहुल कहते हैं कि उनका योगा का अभ्यास करना चाहिए निखिल यह बात सुनकर कहता है कि मैं क्यों वह ना तो बूढ़ा है और ना ही अस्वस्थ है और ना ही उसकी उम्र अभी योगी बनने की है वे अंकल राहुल को बात मानने से इनकार करते हुए अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाने में मस्त होते हुए अपने कमरे की ओर चला जाता है अंकुल अंकल राहुल इस बात पर हंसते हैं और उन्हें लगता है कि निखिल से बात करने का यह सही समय नहीं है वह योगा मैट पर बैठते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं वे धीरे से सांस अंदर लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं सांस लेना मीन्स इन्हेलेशन शरीर को ताकत देता है और सांस छोड़ना मीन्स एक्सलेशन शरीर को आराम देता है क्योंकि अंकल राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनको घंटों ऑफिस में मेहनत करनी पड़ती है तो उनके लिए शरीर और दिमाग का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी था फिर वह गर्दन का व्यायाम करते हैं फिर वह कलाई पैर और घुटने का व्यायाम भी करते हैं अब इतना करने के बाद वे सूर्य नमस्कार करने में करते हैं सूर्य नमस्कार में कुल बारह पोज होते हैं आप देख सकते हैं पिक्चर में सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है जो बाहरी और अंदर के अंगों को स्वस्थ रखने में मदद करता है संडे की सुबह में अंकल राहुल निखिल को कम्युनिटी ग्राउंड में मिलते हैं जहाँ वह क्रिकेट पिच तैयार कर रहा होता है उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और सोमू बल्लेबाज आमो को बॉल फेंकने को तैयार दिखता है निखिल बाउंड्री पर खड़ा है और वेट कर रहा है कि सोमू पहली बार पर ही विकेट ले ले सोमू बॉल फेंकता है और आमो बैट से इस तरह मारता है कि निखिल कैच करने कि बॉल को दोनों हाथों से लपकता है पर बॉल इतनी जोर से उसको लगती है कि बॉल उससे छूट जाती है वे घुटने के बल गिर जाता है अंकल राहुल उसको देखने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि निखिल की हथेली पर चोट लग गई है सोमो खेल को ख़त्म करने को कहता है क्योंकि उसके पास कोई फील्डर तो था ही नहीं अंकल राहुल सोमू की तरह बॉल फेंकते हैं और उसे कैच करने को कहते हैं सोमो फिर से बॉल करता है और आमो फिर से हिट करता है अंकल राहुल बाउंड्री पर खड़े होकर बॉल को ध्यान से देखते हैं और के कैच कर लेते हैं आमो आउट हो जाता है निखिल दौड़कर अंकल के पास जाता है और उनको गले लगा लेता है फिर एकदम से बारिश होने लगती है और सब भागकर घर के अंदर जाते हैं आमो सबसे पहले अंकल राहुल से पूछता है कि वह इतने फिट कैसे हैं उनके अंदर एक विजेता का रवैया है अंकल राहुल हंसते हुए बोलते हैं कि ये सब योगा की वजह से है जब वे बच्चे थे वे सब तब से ही योगा का अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि हर बच्चे को पढ़ने और खेलने के लिए ताकत फोकस करना और तनाव मुक्त दिमाग चाहिए होता है सोमू धीरे से उनसे योगा लेसन के बारे में पूछता है बारिश रुक जाती है और अंकल राहुल जल्दी में वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं लड़के चिल्ला पड़ते हैं कि अंकल राहुल रुक जाएं। सोमू जी भी गुस्से हो जाता है और वह बार बार पूछने पर भी बता नहीं रहे हैं